कांग्रेस की जो डिमांड है वो ये है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी से. द कांग्रेस डिमांड्स ए फुल इन्वेस्टिगेशन बाय अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इनटू दीज ग्रेव एक्विजिशंस ऑफ ब्राइबरी विच एलिजिबली हैव क्रेडिबल एविडेंस इफ द बीजेपी एडमिट्स दैट स्टेट्स अंडर अपोजिशन रूल एंड सेंट्रली गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर आर इम्प्लीकेटेड. अगर बीजेपी ये मान जाती है कि जो बाकी स्टेट्स जहां पे ये सब हुआ वो तो अपोजिशन की गवर्न स्टेट्स थी, या जम्मू कश्मीर जो कि प्रेसिडेंट्स रूल के तहत था, अगर वो ये मानती हैं तब वो ये भी मानती हैं, दैट मीन्स दे आर एडमिटिंग इट कि दैट अडानी ब्राइब्ड ऑफिशियल्स. तो उनका ये एक एग्रीमेंट होगा, उनका ये एक एडमिशन होगा कि अडानी ने ऑफिशियल्स को रिश्वत दी है. क्या ये जुर्म नहीं है? हम इस जुर्म की बराह रास्त एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट से स्ट्रांगली हम डिमांड करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए. Why is it that opposition chief ministers are arrested for 31 crore or 100 crores, but a close ally of the prime minister with 2,000 crore allegations roams free? This selective enforcement of law is disservice to the nation. Thank you. देखिए ये डायरेक्टली सब स्टेट्स के साथ में है. जम्मू कश्मीर भी उसमें एक स्टेट है. जम्मू कश्मीर की मैं जो आपको खासतौर से जोर देके कह रहा हूं वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त जिस पीरियड में ये हुआ है 2020 से 2024 तक, उस पीरियड में तो यहां पे प्रेसिडेंट्स रूल था. इट वॉज डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट. तो उस हिसाब से जम्मू कश्मीर की जो नौवियत है वो मुख्तलिफ बनती है और मोस्ट पेक्यूलियर बनती है कि बराह रास्त उन लोगों ने यहां पे ऑफिशियल्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या यहां के ऑफिशियल्स या यहां के जो उस वक्त के रूलर्स थे इस पीरियड के दौरान में उनके साथ में ये किया होगा. हम जेपीसी के तहत कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कौन से पॉलिटिशियंस थे, कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने जो इसमें उनके हिस्सेदार रहे. नहीं, मैं इंटरलिंक नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी हो सकता है कि उनका बराह रास्त इस चीज के साथ भी कोई लिंक निकल आए. बट आई विल नॉट कास्ट एस्पर्शन ऑन एनी ऑफिसर्स. दैट इज वाई आई एम सेइंग कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसका मैं इन्वेस्टिगेट करे और जो भी लोग हैं पॉलिटिशियंस हैं या ऑफिसर्स हैं और कौन पॉलिटिशियंस हैं कौन ऑफिसर्स हैं वो क्लियर किया जाए. देखिए सबसे पहले तो जुडिशरी के ऊपर कोई कमेंट करना चाहिए बनता. हम तो यही पूरी उम्मीद रखते हैं जुडिशरी के ऊपर लोगों का एक ब्लाइंड फेथ होता है, ब्लाइंड ट्रस्ट होता है. उस ट्रस्ट को मेंटेन करना, उस ट्रस्ट पे पूरा करना जुडिशरी का काम है. और हम भी उम्मीद करते हैं कि जुडिशरी जो लोगों की तवक्कात है, जो उनका उनके ऊपर भरोसा है, उस पे वो पूरी उतरे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं. इस बारे में हमारी अभी उनके साथ में कोई गुफ्तगू नहीं हुई है, लेकिन ये अभी का जो ये जो हम ये सामने आए हैं ये कांग्रेस की तरफ से जो डिमांड है दैट इज कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पार्लियामेंट का मामला है और हम इसीलिए
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जेपीसी बिठाई है। हिंदुस्तान की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी का भी कनेक्टेड है वो बात, और वो ये है कि जो हमारे लीडर राहुल गांधी पिछले कई साल से जिसके बारे में जिक्र करते आ रहे हैं, अडानी इशू, अडानी के साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखसूस बीजेपी का एक ताना बाना कई सालों से बना हुआ है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की मईशत को भी फर्क पड़ा और जो हमारी प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, चाहे वो अशियाई खुर्दनी की कीमतें हों, चाहे वो तेल डीजल पेट्रोल उनकी कीमतें हों, हर चीज पे बराह रास्त उसका असर पड़ा। और अगर हम देखें, हम महसूस करें, तो हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन जो इस वक्त है उसका बराह रास्त वजह अडानी और बीजेपी का नेक्सस है। आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में अमेरिकन सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने एक रिपोर्ट इजरा की और उसके साथ साथ अडानी को इम्प्लीकेट किया। अडानी के साथ सात आदमियों को इम्प्लीकेट किया, टोटल आठ आदमियों को, जिनके बारे में ये बताया गया कि वो हिंदुस्तान से अमेरिका आए, अमेरिका